पश्चिम बंगाल के तट से टकराने के बाद साइक्लोन रीमाल कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बंगाल में तूफान के साइड इफेक्ट जरूर देखे जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से डरा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। रीमाल के रौद्र की डराने वाली तस्वीरें। बंगाल के कई जिलों में चक्रवाती कहीं गिरे पेड़, कहीं गिरी दीवार। पश्चिम बंगाल से चक्रवाती तूफान रीमाल गुजर चुका है। करीब 6 घंटे तक चली तूफानी हवाओं ने बंगाल के कई जिलों में लोगों को दहशत में ला दिया। दावा किया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से कई जिलों में अच्छी खासी तबाही हुई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले रीमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बिहार को लेकर किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रीमाल का असर देखा जा सकता है। इस दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में हवाएं चल सकती हैं। यही वजह है कि कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। उधर कोलकाता में तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहां लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह से बड़े बड़े पेड़ उखड़ने की तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता में रीमाल तूफान अपने पीछे छोड़ गया है तबाही की तस्वीरें। देखिए सदर्न एवेन्यू इलाका, यहाँ की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक पेड़ और एक बिजली का खंभा दोनों एक साथ गिर गए हैं। हवाओं तेज गति के चलते कल रात भर बारिश हुई है कोलकाता में। जगह जगह पर पानी भी जमा हुआ है और साथ ही ये तस्वीर देखिए और पूरी सड़क जो है इसकी वजह से जाम हो गई है। कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ है। कोलकाता में तूफान की वजह से एक पुरानी इमारत की बाउंड्री वॉल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। तूफान के कहर का असर जिन जिलों पर सबसे ज्यादा हुआ है वहाँ राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर आवाजाही को दुरुस्त करने के लिए तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को भी हटाया जा रहा है।